शक्ति की पूरी टीम की तरफ से उन्हें शादी की शुभकामनाएं देते हैं। उनकी रियल लाइफ में हमेशा खुशियां रहे, उनकी मैरिज लाइफ हैप्पी रहे। बाकी तो उन्होंने पूरी टीम को बांध के रखा है, अब अपनी फैमिली को बांध के रखे हैं पूरी उम्र, यही शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे कितने दिनों से प्रीतम आपकी छुट्टी पे है? 4 दिनों से छुट्टी पे हैं और अगले 1 हफ्ते तक और छुट्टी पे रहने वाली हैं। नहीं, इतना नहीं है, उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, तो सब मैनेज है, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच। अमित ओके, चलो अभी पकड़ लो बातें, बस हो गई। चलो वाइट कर लो। अमित बोल दिया अमित यहाँ नहीं। मैं क्या कहूँ, मैं हमारी पार्टियाँ चल रही है, हमारे फंक्शंस चल रहे हैं पिछले कुछ 5 दिनों से, और पार्टी ही चले जा रही है और शुभकामनाएं मिले जा रही है। बहुत सारे इतनी सारे बेस्ट विशेज आ रहे हैं, इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, इतने सारे लोग रोज़ मुझे मिल रहे हैं मेरे हर एक फंक्शन के बाद, तो अलग फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है और मज़ा आ रहा है। और आज यहाँ बहुत सारा धमाल करेंगे, कल दिल्ली जाएंगे और परसों वहाँ पार्टी करेंगे, तो ये सिलसिला चल रहा है। मुझे
दुनियादारी की अभी कोई खबर नहीं है, मुझे अपना पता है मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं उसी में खुश हूँ और वही एंजॉय करना चाहती हूँ फिलहाल। सो सेलिब्रेशन तो एक साल पहले से शुरू हो गया था जब हमने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे और इस दिन का बेसब्री से इंतजार था एंड फाइनली इट हैज हैपेंड। सो सेलिब्रेशन अब रोज होगा। हाँ मतलब मैंने सोचा था कि मैं अपनी फ़ोटोज़ मैं खुद अपलोड करूँगी और मैं खुद पहली बार मैं खुद पोस्ट करूँगी, लेकिन मेरी शादी के बाद जैसी जब फुर्सत मिली और मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा मेरे पास पोस्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरी एंट्री से लेके फेरो सिंदूर मंगलसूत्र जितनी भी सारी रस्में थी पूरी शादी आउट हो चुकी थी, बाहर आ चुका था। मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, इनफैक्ट ये जानकर खुशी हुई कि लोग इतना प्यार करते हैं और इतने खुश हैं मेरी खुशी में। आप लोग हर बार ये सवाल हर बार एक ही सवाल पता मेरा वो स्टीरियोटाइपिकल सारे वही हो गए हैं, बट यू नो आज जब मैं इनको देख रहा था तैयार होते हुए तो मैं सोच रहा था कि कहाँ तारीफ करूँ और कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। आई थिंक ओवरऑल जो इनका गेटअप है, चाहे मैं बालों की बात करूँ, चाहे मेकअप की बात करूँ, चाहे ड्रेस की बात करूँ, चाहे शूज़ की बात करूँ, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो टुडे शी इज़ लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट, ऑब्वियसली येस्टरडे शी वॉज लुकिंग द बेस्ट, बट आज कुछ बात अलग है। ऑलमोस्ट सारे मतलब जितने लोगों आप सब जानते ही हैं मैंने किन किन लोगों के साथ काम किया है, सबकी शुभकामनाएँ आ रही है और जो लोग आज नहीं आ पाएंगे उन लोगों ने सबने मुझे पहले से ही मैसेज कर दिया है, जैसे रिद्धि रोगरा ने कर दिया है, गौहर ने बताया है कि वो नहीं है यहाँ पर, तो सब बहुत प्यार भेज रहे हैं, सब बहुत दुआएं भेज रहे हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने काम किया है वो सारे आज इनवाइटेड है, जो नहीं आ पाएंगे उन्होंने पहले से बता दिया है, बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सारे ही आएंगे। देखो आज यहाँ पर बहुत टोटल धमाल वाली सेलिब्रेशन होने वाली है, दिल्ली जो है वहाँ पे थोड़ी सी सोफेस्टिकेटेड सी पार्टी होगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स आएंगे, तो वो मेरे ऑफिस की तरफ से पार्टी है। हाँ। तो मैं ऑफिस वाले फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ और कुछ मेरे अपने दोस्त भी होंगे, तो वो थोड़ी पार्टी अलग होगी, वो अलग होगी, ये अलग है, ये अलग है। मैंने पहले से ही कहा था कि मैं मोस्टली मैं सारे लहंगे पहनना चाहती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि हर एक लहंगा एक दूसरे से अलग हो। आप लोगों ने पहले देखा मैंने घरारा पहना था अपनी एंगेजमेंट में, उसके बाद मेहंदी का लहंगा अलग था, शादी का लहंगा अलग था, ये वाला लहंगा अलग है। सो आई एम होपिंग कि मैंने जो कोशिश की थी, जो मेहनत की थी वो रंग लाई हो। इस लहंगे में मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न टच देने की कोशिश की है, इसलिए मैंने बूट्स पहन लिए हैं इसके साथ, तो बस यही है। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत इनको कन्विंस किया है, क्योंकि ये इनका ड्रेसिंग थोड़ा सा अलग है और हम ठहरे फिल्मी लोग तो मुझे भी बना रही हैं। एक्चुअली मैंने कभी इस तरह के कपड़े पहने नहीं, तो आई नॉर्मली वेयर सूट्स, तो इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ये पहनो। हाँ। जब हमने पहली बार देखा तो हमने सोचा शायद नहीं पहनूंगा मैं, बट पहना और फिर वी लाइक इट। ओके थैंक यू वेरी मच। मैंने आप लोगों के लिए खाना भी ऑर्डर किया है, प्लीज आप लोग खा के जाइए। अब अलग अलग हो रहे हैं, दो क्वेश्चन वो तो सबके एक ही नहीं, सॉरी ऐसे मत करो, अरे साथ में करो, साथ में कहां हो रहा है मैम, लुक के साइड साइड साइड, अरे इससे क्या ना समो मैम, लोग डर रहे हैं क्या,
साड़ी है जो कलकत्ता से आई है, कोलोरोसो ब्रांड की, और ब्लाउज भी कोलकाता से ही आया है। तो काफ़ी आज एक ट्रेडिशनल लुक पे मैं फोकस कर रही थी, एक बंगाली स्टाइल में साड़ी बांधी भी है, सो आई एम गोइंग फॉर अ ट्रेडिशनल लुक टुनाइट। अगर आपको बिग बॉस से मैं याद हूँ तो आपको याद होगा मेरी बहुत सारी पियर्सिंग्स थी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मेरे कोई दोस्त बिग बॉस का जवाब नहीं देंगे, मेरे कोई दोस्त बिग बॉस के बारे में बात नहीं करेंगे। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। कोई बिग बॉस के बारे में जवाब नहीं देगा। वोट फॉर सिद्धार्थ शुक्ला। So as you can see, meri aur Kamya ki choice same की साथ में होने की एक इंडियन औरत में, और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए दैट शी इज़ गॉट अ सेकेंड चांस एट लव एंड एट लाइफ, और शी इज़ अ लवली वुमन। मैं बहुत खुश हूँ कि आज उनकी खुशी में मैं भी शारिक हूँ। थैंक यू। आज मैं थोड़ा बंगाली ट्रेडिशनल लुक के लिए एम कर रही थी, तो ये साड़ी भी बनारसी सिल्क साड़ी है लेकिन कोलकाता से आई है, ब्लाउज भी कोलकाता से आया है, और ज्वेलरी वगैरह भी मैंने ट्रेडिशनल ही आज फोकस किया है। जी जी, अगर आपको बिग बॉस सीजन 9 से मैं याद होंगी तो आपको याद होगा मेरी काफ़ी सारी पियर्सिंग्स और अजीबोगरीब बाल होते थे, बाल अजीबोगरीब चले गए, पियर्सिंग्स भी बहुत सारी निकाल दी, लेकिन ये दो नोज़ की पियर्सिंग्स मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक इट रियली एड्स अ लॉट ऑफ चार्म, एंड दीज आर टू पियर्सिंग्स दैट आई थिंक आई विल ऑलवेज कीप, बिकॉज ट्रेडिशन के साथ साथ थोड़ा हट के भी लुक आते हैं। बिग बॉस एक ऐसा शो है कि मैं हर साल नाना करते हुए भी फॉलो कर ही लेती हूँ, इस बार भी फॉलो कर रही हूँ, थोड़ा दो तीन एपिसोड पीछे हूँ, लेकिन बहुत ही धमाकेदार सीज़न रहा है, बहुत ही मसालेदार सीज़न रहा है, अब तक का सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4 महीने लंबा शो रहा है, और काफ़ी एंटरटेनिंग है शो। आई एम ऑल्सो टीम सिद्धार्थ, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो टीम सना। बिग बॉस के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक रियलिटी शो है, और रियल चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिद्धार्थ एक परफेक्ट आदमी है, नहीं है, उनमें बहुत बुराइयाँ हैं लेकिन वो बुरे नहीं हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। सना भी बिल्कुल जो रियलिटी अपनी दिखाती हैं, अच्छा बुरा, घटिया, बहुत अच्छा, बहुत हसीन, हर रूप देखा है उनका, और आई थिंक वही एक रियलिटी शो की सबसे अच्छी पहचान है, और वो दोनों मुझे बहुत रियल लगते हैं, रियल कपल्स की तरह लड़ाइयाँ होती हैं, रियल कपल्स की तरह एक दूसरे से मान भी जाते हैं,
जो चीज़ मुझे बाकी रश्मि आसिम और पारस में नहीं दिखाई देती. थैंक यू सो मच. जी की शादी से मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि हमेशा हमेशा अपनी पूरी लाइफ वो लोग बहुत खुश रहें, बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी गुजरे. आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. मे गॉड ऑल द बेस्ट टू देम फॉर द लाइफ अहेड. थैंक यू. यस बट शी इज सो हैप्पी, सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर हर, वेरी हैप्पी. हम लोगों ने 3-4 साल काम किया है. बहुत अच्छा लगा है ये खबर सुन के कि वो शादी कर रही है, सेटल हो रही है. आई एम हैप्पी. हाँ अमित, करीब 3-4 महीने पहले पता लग गया था और बस उसके बाद से हम यही पूछते रहते थे कि डेट कब फिक्स होगी, कब फिक्स होगी, जल्दी से बताओ और हम लोग आए. एंड आई थिंक हमारी पूरी यूनिट, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे पूरी यूनिट सब लोग बहुत खुश हैं कामिया की शादी को लेकर और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं. यस ये तो सीक्रेट है, वैसे दिखा देती हूँ. नहीं मतलब सारा कुछ पैक है. आई ब्रॉट दिस फॉर देम. अब ये तो अब वो लोग जब खोलेंगे तो देखेंगे क्या है. ये पीछे जाओ ना.
for it? Thank you. Do you want it? Bye. You have my phone now? थैंक यू. जब खुशी होती है दिल में दोस्त के लिए तो अपने आप ही हाथ पैर थिर रखने लगते हैं. यस, इट्स अ हैप्पी मोमेंट. तो हमें बहुत खुशी हुई जिस तरह का एंट्री मिला और हम तो हैं ही बिंदास, हम नाच रहे थे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हम तो यही कहेंगे कि उनका आंचल खुशियों से भरा रहे, हमेशा वो इसी तरह से मुस्कुराती रहे और शलभ जो है उनको प्रिंसेस की तरह रखे. वेल, आई जस्ट फील इट इज़ सो ब्यूटिफुल दैट शी हैज़ फाउंड हैप्पीनेस एंड पीस एंड आई विश देम अ हैप्पी मैरिड लाइफ. लाइफ में सबकी, यू नो, सबका हक है खुशियों के लिए. एब्सोल्युटली. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर. थैंक यू. हाय हाय, ट्रांसफॉर्मेशन ऑल. Yeah, I think जब आप यहाँ से खुश हो, it just shows. गाना? भाई आप क्या डांस गाना? डांस आप करा दो. हम सिर्फ यही कहेंगे कि कामिया हमेशा खुश रहो, ऐसी ही मुस्कुराती रहो और may you always be blessed. Like मैंने उनके सारे you know videos जो viral जा रहे हैं as you said Instagram पे मैंने देखे. And she's never looked happier. Yes. Jitna glow maine unke face pe dekha, touch wood, very happy for her. Yeah. Thank you. Yeah, wo tohfa kahan gayab ho gaya? Mujhe itna bada tha, wahan side mein rakhna pada. Yes. Outfit ke bare mein. Outfit ke bare mein. Outlook kya hota hai? Outlook ke bare mein dekhiye, hame bataya gaya ki party hai. Kya hua? Yeah. Sorry. So we are. अरे तो गिफ्ट का क्या लेना था? सोबिया, हाँ सोबिया पार्टी रही. बाबीज, बाबीज ने कहा है क्लियरली. हाँ. सो या हमारा लुक बिकॉज़ पार्टी बैरल मैंशन में है. अरे इसका क्या लेना देना? गिफ्ट भी आ गया. या आई नो व्हाट इज द या सो या बिकॉज़ इट्स अ क्लब तो वी आर ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू बैरल मैंशन इज अ वेरी बिग नाइट क्लब. सो मैंने थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न पहना, इट्स लाइक अ साड़ी एंड अ गाउन. सो या थोड़ा सा अलग पहना. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.